हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन फूड बाइट। तो आज हम लोग बनाएंगे हेजलनट वॉलनट ब्राउनी। इसके लिए हम लेंगे 100 ग्राम हेजलनट्स। हेजलनट कुछ ऐसे दिखते हैं जो कि चिक पीस टाइप के नज़र आते हैं, तो इसे हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। तो पैन के गर्म होते ही हम यहाँ पे अभी हेजलनट डालेंगे एंड इसे हम कुछ 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यूस स्टर करते हुए चला लेंगे। हम इसे कुछ मीडियम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। क्योंकि ये जल सकता है तो हम इसे कंटिन्यूस स्टर करते रहेंगे। तो अब 2 से 3 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं एंड हमारा हेजलनट रोस्ट हो गया है। तो अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे एंड गैस ऑफ कर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसका एक क्लोजअप देख लेते हैं। तो ये रोस्ट करने के बाद इसका कलर कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग एक पैन में चीनी लेंगे। हमने यहाँ पे 1 बोल ऑफ रिफाइंड वाइट शुगर लिया है। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस चीनी को हमें कैरामलाइज करना है। तो कैरामलाइज करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट, आपका जब पैन गर्म हो जाएगा तब आप शुगर उसमें डालें एंड डायरेक्टली शुगर डालें। इसमें कोई ऑयल, पानी, बटर कुछ भी यूज़ नहीं होगा। डायरेक्टली हॉट पैन में शुगर डालना है। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो अपना गैस का फ्लेम है वो लो फ्लेम पे रखना है, क्योंकि चीनी गर्म होके वो जल सकती है। तो इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूस स्टर करते रहना है। एंड जब आपका चीनी कैरामलाइज हो जाएगा तो उसका कलर हल्का गोल्डन ब्राउनिश टाइप में आएगा। तो आप देख सकते हो हमारा ये चीनी का कलर ऑलरेडी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा कैरामलाइज हो चुका है एंड जब तक ये कुछ 1 से 2 मिनट के लिए और कैरामलाइज होता है, तब तक हम यहाँ पे एक सिलिकॉन कप में उसे ऑयलिंग कर लेंगे ब्रश की मदद से। तो आप देख सकते हो कि हमारे ये पूरा ही चीनी कैरामलाइज हो चुका है। इसका कलर ये हल्का गोल्डन ब्राउन में चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे अपने जो ड्राई रोस्ट किए हुए हेजलनट थे उसे अब हम इसमें कोट करेंगे एंड यहाँ पे भी हमारा फ्लेम लो फ्लेम पे रहेगा। एंड क्योंकि हमारे हेजलनट एंड कैरामल दोनों ही कुक्ड हैं, तो हम इसमें बस रैप करने तक ही इसे कुक करेंगे कुछ 30 सेकेंड्स के लिए। एंड इन जो सिलिकॉन कप्स थे हमारे ऑयलिंग किए हुए, अब हम उसे फिल कर लेंगे हेजलनट्स एंड इसे फ्रीजर में रख देंगे कुछ 10 से 15 मिनट्स ठंडा होने के लिए। अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपने ब्राउनी का बैटर। यहाँ हमने यूज़ किया है कुछ 2 कप ऑफ मैदा एंड इसे हम चाल लेंगे। अगर आप रेसिपी के हेल्दी वर्जन में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिफाइंड फ्लोर के जगह गेहूं का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने ये पहला कप ऑफ मैदा चाल लिया है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक और कप ऑफ मैदा, साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ 3 टेबलस्पून ऑफ हर्शीज कोको पाउडर। तो आइए ऐड करते हैं 2nd टेबलस्पून एंड ये गया हमारा 3rd टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर एंड 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। अब इन सभी को हम एक साथ चाल लेंगे। तो चालते वक्त अगर आपका ये बाहर निकल जा रहा है बोल के, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप ग्लास में ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें एंड उस ग्लास को छन्नी के ऊपर उल्टा करके देन ग्लास को आप घुमा सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट सीधे बोल में ही जाएगा। तो ये था इंडियन फूड बाइट के किचन से एक छोटा सा नुस्खा। तो आइए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जो हमने बोल में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है इन्हें एक बार मिला लेते हैं। साथ ही में ऐड करेंगे हम यहाँ पे कुछ 1 छोटा बाउल शुगर। हमने चीनी को बारीकी पीस के इसका पाउडर बना लिया है एंड हम इसे स्पून बाय स्पून ऐड करके मिक्स करते जाएंगे अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ। एंड हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 कप ऑफ रिफाइंड ऑयल एंड इसे हम एक बार फिर से मिक्स करेंगे। एंड इसे अब बैटर की कंसिस्टेंसी में लाने के लिए हम यहाँ पे 1 कप ऑफ मिल्क ऐड करेंगे एंड इसे एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूस मूव करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। एंड हमारा ब्राउनी का बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो इसे सही कंसिस्टेंसी में लाने के लिए हम यहाँ पे 1 कप ऑफ मिल्क और ऐड कर रहे हैं एंड इसे हम सेम डायरेक्शन में फिर से रोटेट करके घुमाएंगे। आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो ये स्टर करते वक्त हाथ का स्पीड हो वो अप्रॉक्स कांस्टेंट रहे एंड ताकि ये अच्छे से बैटर मिक्सअप हो जाए एंड इसमें कोई भी लम्स बनने के चांसेस ना रहे। तो अब इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। हमें बैटर ना ही बहुत ज़्यादा थिक करना है ना ही बहुत ज़्यादा थिन। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ 1/2 टेबलस्पून ऑफ वेनिला एसेंस एंड इसे हम बैटर के साथ मिक्स करेंगे सेम डायरेक्शन में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ इस रेसिपी में बने हुए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
अब हम यहाँ पे लेंगे कुछ 8 से 10 वॉलनट्स एंड इसे हम इसमें रख इसे क्रश करेंगे। हमने इसमें क्रश करना इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा खुरदरापन चाहिए। तो आइए इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एंड हमारा वॉलनट हो गया क्रश। अब हमने यहाँ पे ये जो हेज़लनट एंड कैरमलाइज करके रखा हुआ था, अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। इसे डीमोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि ये सिलिकॉन कप में था एंड अब हम इसे भी इसमें रख के क्रश करेंगे। एंड क्योंकि कैरमलाइज था तो ये ऑब्वियसली जब ऊपर से प्रेशर दिया जाएगा तो ये नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, तो आपको स्पून से इसे थोड़ा सा स्क्रैच करके इसे फिर से कूटना पड़ेगा एंड आप इसे फिर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अब हमारा कैरमलाइज्ड हेज़लनट भी हो गया है रेडी। अब हम इन दोनों को ही ट्रांसफ़र करेंगे अपने इस बैटर में एंड इसे फिर से सेम डायरेक्शन में मिक्स करके मूव कर लेंगे। तो अब हमने ये कैरमलाइज्ड हेज़लनट एंड वॉलनट अपने बैटर में मिक्स कर लिया। आप चाहे तो ये आलमंड्स भी आप मिक्स कर सकते हैं बैटर में। अब हम लेंगे यहाँ पे एक ग्लास कंटेनर एंड कंटेनर को हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश से ऑयलिंग करके अपने सारे बैटर को इसमें ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि ये पूरा सेटल डाउन हो जाए। एंड एज अ चॉइस आप यहाँ पे हर्शीज सिरप जो है वो ऐड करके इसे टूथपिक से कुछ ऐसा रैंडम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हमने ये हर्शीज सिरप डाल के ये पूरा ही चॉकलेट सिरप अपने बैटर में फैला लिया है एंड अब हम इसे रखेंगे अवन में। एंड अवन में हम टेम्परेचर सेट करेंगे 180 डिग्री फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स। तब हमारा ये ब्राउनी का बैटर ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तब हमारा ब्राउनी बेक हो चुका है एंड अब हम इसे 5 मिनट अवन में ही रेस्ट होने के बाद इसे निकाल रहे हैं। निकालते वक्त आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप ग्लव्स पहन लें क्योंकि ये हल्का गर्म होगा। एंड ये है हमारा फाइनल लुक ब्राउनी का एंड ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। सो नाउ इट्स टर्न टू डीमोल्ड इट। अब हम इस ग्लास कंटेनर के ऊपर एक ट्रे रखेंगे एंड इसको पलट लेंगे। आपको बहुत ही क्विक करना है ये एंड आपको ग्लास कंटेनर को टैप करके फिर ऐसे ब्राउनी को निकालना है एंड ऐसे कट करना है। तो आइए इसे कट कर लेते हैं। तो अब ये ब्राउनी हो गया है कट। आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा फ्लफी है विदाउट एग। इट इज़ माइंड ब्लोइंग। सो दिस फेस्टिव सीजन यू शुड गिव इट अ ट्राई। सो ब्राउनी को डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पे दूसरा कप ऑफ रोस्टेड कैरमल को डीमोल्ड किया है एंड हम इसे भी क्रश करेंगे। तो ये हो गया है क्रश। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे कंटेनर में एंड ताकि ये रोस्टेड कैरमल हेज़लनट हमारा ब्राउनी पे स्टे करे, इसके लिए हमने यहाँ पे हर्शीज सिरप का इस्तेमाल किया है। हमें इसे ज़िगज़ैग मैनर में ब्राउनी के ऊपर लगा देना है एंड हम इस क्रश्ड रोस्टेड हेज़लनट को हम यहाँ पे ब्राउनी के ऊपर फैला देंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये हो गया है रेडी। आप यहाँ पे कुछ आलमंड्स एंड वॉलनट्स भी डाल सकते हैं इसे गार्निश करने के लिए। दिस इज़ ऑल रेडी। सो मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू एवरीवन।